एक तो ये चीज़ सही नहीं है कि पाथ्स की कहीं ज़रूरत नहीं है, पाथ्स की और जो फुटपाथ्स की ज़रूरत हर जगह पे होती है, हर तरीके से होती है, और कहीं पे भी इस तरीके जहाँ पे भी फुटपाथ बनाया जा रहा है या कहीं पे मानो साइकिलिंग के लिए स्पेस बनाई जा रही है, वो इसी इंटेंशंस के साथ कि लोग सही तरीके से चल पाएँ, लोग सही तरीके से हमारे जंक्शंस को क्रॉस कर पाएँ। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिसको एक समझने की ज़रूरत है, जब भी एक रोड होता है, इस हमारे अक्सर रोड्स में जो एक प्रॉब्लम है, दे आर नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी का मतलब हुआ कहीं पे रोड बड़ा चौड़ा है, फिर कहीं पे वो सकड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है। इस वजह से ट्रैफिक को स्मूथ फ्लो होने में बड़ी दिक्कत होती है। जहाँ बहुत चौड़ा है वहाँ से बहुत सारी ज़्यादा गाड़ियाँ एट ए टाइम निकलती हैं और उस चोक पॉइंट के आसपास फिर जाम हो जाता है। तो इसमें एक भारत सरकार की भी जो कोड्स बने हुए हैं, जिसको हम इंडियन रोड कांग्रेस के कोड्स कहते हैं, स्टैंडर्ड्स, IRC स्टैंडर्ड्स कहते हैं, उन IRC स्टैंडर्ड्स में भी क्लियरली लेड डाउन डायमेंशंस होती हैं। सिंगल लेन रोड है उसकी कितनी विड्थ होनी चाहिए, कैरेज विड्थ, अगर टू लेन रोड है उसकी कितनी कैरेज विड्थ होनी चाहिए। सो इन जहाँ जहाँ पे भी स्मार्ट सिटी में हम जो इंटरवेंशन कर रहे हैं उसमें दिस इज़ द फंडामेंटल, सबसे पहले जो रोड है उस रोड को, कैरेज वे को यूनिफॉर्म किया जा रहा है, उसके बाद जो साइड में जगह बचती है उस दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर इधर साइकिलिंग और पेडेस्ट्रियनाइजेशन जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है। दिस ऑल हैव बीन डिजाइंड जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल उसमें जो फुटपाथ है, हमारा कहीं पे एक फुटपाथ यहाँ डेढ़ डेढ़ दो दो फुट ऊपर भी रोड लेवल से ऊपर होता है जो यूज़ नहीं आता है। दिस ऑल हैव बीन डिजाइंड इन अकॉर्डेंस टू दोज इंडियन रोड कांग्रेस स्टैंडर्ड्स। सर जैसे कि स्मार्ट सिटी बन रही है तो वहीं पर अगर हम बात करें तो खुद की ज़्यादा बार मारे, अगर हम श्रीनगर की बटमालो की बात करें, कोडा वहाँ पर भी है, 300-400 कुत्ते वहाँ पर होते दोनों चीज़ें जो स्ट्रे एनिमल्स का एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसके लिए हमारे पास जो अलाउड, जो चाहे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में या एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शंस में, दिस मास स्टरलाइजेशन, जो स्टरलाइजेशन ऑफ एनिमल्स इज द अलाउड इंटरवेंशन, उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी शहर में, तो वो हमने काफ़ी हद तक उस पर वर्क ऑन किया है। एक टेंगपोरा में हम लोग जो है एक बड़ी फैसिलिटी बना रहे हैं स्टरलाइजेशन की, जिसमें काम अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे पहुंच चुका है। इसके साथ साथ शुहामा में हमने ऑलरेडी स्टरलाइजेशन स्क्वास्ट और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ ऑलरेडी किया हुआ है, शुरू किया है। जो टेंगपोरा में मेरे ख्याल से अगले महीने भर में वहाँ पे हम लोग जो है स्टरलाइजेशन का काम मैसिव स्केल में शुरू करेंगे। वी वांटेड टू ऑल्सो हायर सम जो है सेपरेट एजेंसीज, प्रोफेशनल एजेंसीज जो इसमें करती हैं, वो हायरिंग भी हमने ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर दी है। तीसरा छतरहामा में हमने और जो है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ली है, जहाँ पर हम लोग ABC जो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर एक और रेडी कर रहे हैं, और वहाँ पे भी एक एनिमल रिहैबिलिटेशन सेंटर भी होगा, पे भी काम अभी चल रहा है। ये कोशिश यही कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में हमारे पास फुल फ्लेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी होगा और हमारे पास जो स्टरलाइजेशन के लिए जो वेट्स की ज़रूरत है, जो इसमें मैन पावर की ज़रूरत है, वो भी हमारे पास होगा। तो इसको एक्टिवली करने की कोशिश, हाँ, एक हम लोग उसमें जो डिऑर्डरिंग केमिकल है वो डेली बेसिस पे वहाँ छिड़कते हैं। इनफैक्ट हमने दो बूम स्प्रेयर वहाँ लगा के रखे हैं जिसको डेली बेसिस पे स्प्रे करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विंड डायरेक्शन अचानक से इस तरीके से चेंज होती है तो स्मेल वगैरह आ जाती है, बट इसको हम और फर्दर अगर कुछ जो है इमीडिएट इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ डिऑर्डरिंग, दैट वी विल डू। मैं खुद भी मेरे ख्याल से कल परसों में वापस चक्कर वहाँ लगा लूँगा। तीसरा, हमारी वहाँ एक सेल फोर बननी है, उसका भी हम लोग काम जो है अभी एक्सपेडाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी हमने जो है ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमें मिली है गवर्नमेंट से, अब हम टेक्निकल सेंक्शन के लिए हमने भेजा हुआ है। एज सून एज दी टेक्निकल सेंक्शन इज रिसीव्ड, वी विल स्टार्ट वर्क ऑन दैट सेल फोर ऑल्सो एट असम। थैंक यू।